जाऊं मैं यहां से, कूद जाऊं भाई। ये कुछ गड़बड़ वाली जगह लग रही है, वही खत्म ही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम आए थे ब्रेकफास्ट करने, और ये भी ले रहा है, काजू भाई भी ले रहा है, और भाई मैं तो ऐसे ही हाथ में रखता हूँ बस। और मैं अनडाइट मेकअप की लड़कियाँ, मैं अनडाइट 15 किलो, तुम्हारे 15-20 किलो मेकअप उतर गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सो अभी हम जब ब्रेकफास्ट करके सीधा रूम में आए थे, और रूम में आके सीधा हम लोग सो गए थे एक्चुअली, बिकॉज हम लोग आए और ऐसे ही लेटे, और फिर हम दोनों मतलब हम तीनों ही सो गए, और किसी को इतना मतलब होश नहीं था। सो अभी अभी हम उठे थे, तो फिर मैं सीधा तैयार होने गया। तैयार होने के बाद मैं सीधा मिल रहा हूँ आप लोगों से, एंड आज हम लोग जाने वाले हैं 2-3। कहाँ जाने वाले भाई? अभी हम इधर आसपास ही कहीं घूमने जाएंगे, ऐसा कुछ पता नहीं क्या। हाँ, बट कुछ आई मीन लाइक सम फोर्ट वगैरह, या फिर पता नहीं कुछ हिस्टोरिकल जगह है, वहाँ जा रहे हैं। एंड दिस डे इज गोना बी इंटरेस्टिंग, सो जस्ट बी इन दिस व्लॉग। कल की तरह नहीं होगा कि डेट से था थोड़ा मतलब ऑफ ऑफ सा, एंड सिर्फ होटल वोटल में थे हम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज का जो हमारा डे है बहुत अच्छा जाने वाला है, सो आप लोगों को बस इसमें बने रहना है लास्ट तक, आज मज़ा आने वाला है। सो अभी ये लोग भी तैयार हो रहे हैं, एंड मैं तो तैयार हो चुका हूँ, तो फिर हम जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे आज। सो जस्ट बी इन दिस व्लॉग, एंड मजा आने वाला है, सो यहीं बने रहो। अच्छा तो और रूम को इग्नोर करें क्योंकि इट्स बीन ऑलरेडी अ मेस, सो जस्ट बी इन दिस व्लॉग। तो अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, एंड सब लोग तैयार हो जाए तो सब लोग आते हैं, फिर मैं आपको सब लोगों से मिलवाता हूँ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं है, बट अभी गाड़ी में बैठ के सबसे पूछ रहा हूँ, तो सब बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ आपको दिखाएंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो जस्ट बी स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जल महल, ऐसा कोई यहाँ पे कोई जल महल करके जगह है तो वहाँ आए हैं। और अभी तो हमने देखी है तो जगह मतलब थोड़ी अच्छी सी लग रही है, हमारे पीछे है जस्ट ये है। अभी मैं आपको बैक मतलब दिखाऊंगा बैक करके जगह कैसी है, और बाकी अगर मिलवाते सबसे और पूछते उन्हें जगह कैसी लग रही है, तो आपको जगह कैसी लग रही है वो फोटो एक ड्रामा कर रही हूँ। अगर तुम्हें जगह कैसी लग रही है? बढ़िया, मतलब समरीत तुम्हें कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी तुम क्यों लग रही हो? इतनी अच्छी तुम क्यों लग रही हो? ऐसा डायरेक्ट फोटो तुम अच्छी हो। अब आप बताओ ये अच्छी है यार, कितनी कितनी गर्लफ्रेंड है इसको। पर चलो कोई नहीं यार, गर्लफ्रेंड रहने दो, हम आपको जल महल दिखाते हैं, और अभी हम लोग यहाँ वीडियो बनाएंगे। आगे बिल्कुल सामने, हाँ हाँ व्लॉगर है क्या, वहाँ नहीं जा सकते क्या? हम बोट से जा सकते हैं, तो चलो ना। तो गाइस अभी हमें बोट मिल गई है, ये आर्यन चलाएगा इस बोट को, मैं चलाऊंगा, और ये सारे तनिषा तुम्हारे लिए बोट मिल गई, इधर आओ मैं चलाऊं, तुम इसको बोट को चला के जाना मेरे साथ, सारे बैठोगे मैं चलाऊंगी पक्का, बोट चलाओगी। तो गाइस हम लोग आए थे जल महल, और जो बीच में दिख रहा है वही है जल महल, और अभी हम अपनी रील्स बना रहे हैं, मैं भी अपनी रील्स बनाने जा रहा हूँ। अभी हम जल महल थोड़ा बहुत देख के और फिर यहाँ से जाते हैं, और मेरी रील बना दो प्लीज। तो अब हम लोग जा रहे हैं जल महल से, हमने जल महल पूरा देख लिया, मतलब जल महल का मतलब सेंटर में तो जान नहीं दे रहे, जो सेंटर पर अट्रैक्शन है वो बीच में है, बट वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। तो अभी हम ऐसे मतलब बाहर बाहर से सबने देख लिया, और मैंने आपको सबसे पता लगवा ही दिया कि उन लोगों को कैसा लगा जल महल। तो अगर आप लोग आओ तो आपको लग रहा है कि हाँ देखने लायक है, तो आप लोग देखो। और धूप इतनी हो रही कि मेरी आँख नहीं खुल गया, और गर्मी तो इतनी है कि क्या ही बताऊँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू शो यू। सो यही है अभी, तो हम चलते हैं अगले फोर्ट और देखते हैं और बताते हैं। ये तो इतना डूब डूब के पानी पी रही है ना, हाँ ये इतना डूब डूब के जल महल का पानी पी रही है, और अब इसका मूड खराब है। शेर कुंडी है डुबा के मारेगी, चल। सो अभी यहाँ सब लोग फिर थे शिकंजी का पानी, और सबने पी जा रही है, मेरे को परेशान करे जा रही है, और वो
वही दोबारा वही कहानी, पानी पीने का हम जाते वाले कोई स्पॉट और मेरे को पता नहीं है कौन सा स्पॉट है, बट स्टिल हम जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। सो यार जस्ट बी इन दिस व्लॉग। तो गाइज हम आ चुके अंबेर फोर्ट और कुछ ऐसे यहाँ पे दिखता है, मैं आपको भी नेक्स्ट शॉट में दिखा दूंगा कि कैसे दिखता है। एंड कुछ ऐसी जीप थी जिसमें हम आए थे। यहाँ पे दो तरीके हैं, आप या तो नीचे से ही पैदल पैदल चल चल के आ सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप इन जीप में आ सकते हो जिसका कॉस्ट कुछ 400 अराउंड समथिंग है। तो हमने 450 या 400 या दोनों कितना पे करा था, बट या सो उतना पे करके हम जीप से आ गए थे और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। एंड आपको टिक में दिखा दूंगा, मैं इस यहाँ से ऐसे नहीं दिखा सकता कि लाइक मतलब कैसा दिखता है, बट या मैं आपको अगले टेक में दिखा दूंगा कि कैसे दिखता। और ना गर्मी बहुत है जयपुर में भाई, मेरा तो फेस भी बहुत डल हो गया और हेयर स्टाइल तो बिगड़ता ही रहता है क्योंकि पानी पसीना ये सब बिगड़ जाता है। तो अभी तक तो यही है, मैं आपको दिखाता हूँ अंबेर फोर्ट पूरा और फिर चलते हैं हम लोग। एंड ये बता दो बस कि अब तक मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। सो गाइज हम लोग आ चुके थे अंबेर फोर्ट और यहाँ पे आप देख ही सकते हो मतलब यहाँ जगहें कितनी अच्छी हैं। हमें लाइक जगह बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज कि गर्मी बहुत है एंड हम उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितना हो पा रहा हम कर रहे हैं। एंड अभी मेरे दिमाग पे दिमाग पर आँखों पर भूख लग रही है, पर फिर भी सो गाइज आर्यन ने तो स्टार्ट कर दिया। एंड ये भी यहाँ होता है 200 रुपये समथिंग इसकी कुछ कॉस्ट है। एंड आप लोग ये पोस्टर भी देख सकते हो और जिसको ये करना है आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी ये लोग बता रहे हैं 16 लोग मरे थे लाइटनिंग स्ट्राइक से। एंड मेरा मन है इधर बहुत जाने का, बट बोले जा नहीं सकते। वो तो आप देख रहे हो नीचे जहाँ से उसके एंट्रेंस है, बोले बैन कर रखे हैं एंट्री एंड ऑल सब, बट स्टिल तो जा तो नहीं सकते उधर। बट हाँ मेरा मन बहुत उधर जाने का। एंड गाइस लुक एट द व्यू, आई मीन इट्स फकिंग कूल। फिर हम लोग आ चुके हैं ऊपर किले में और यार शाम होते हो इतना थक जाते कि मुँह तो ऐसा हो जाता है क्या ही बोले कैसा हो जाता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर अंबेर फोर्ट में और मैं आपको फोर्ट दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, मैं और ये जा रहे हैं एक्चुअली, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं। सो एंड अभी हम लोग जाएंगे ऊपर, ये और मैं जाएंगे एक्चुअली, हम दोनों बहुत थक गए तो हम दोनों ऊपर जाएंगे और थोड़े रील्स वगैरह बनाएंगे और फिर वही बात, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो हाँ हम रील ही बनाए जा रहे हैं, सुबह से एक्चुअली बना रहे हैं पर ना बन नहीं रही बस। जयपुर इतना गर्म है कि हम क्या बताएं यार, कितना गर्म भाई। यहाँ के लोग कैसे मैनेज करते होंगे भाई। हमारे तो सुबह होटल में थे और फिर रात वक्त कार में थे तो इतना पता नहीं चला, बट जैसे कार से उतरे ना बूम बाम हो गया। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको फोर्ट दिखाता हूँ पूरा और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ। तो फिर हम उसके बाद फोर्ट दिखाने के बाद हमको सीधा मिलते हैं, पता नहीं कहाँ मिलते पर जहाँ भी मिलेंगे हम मिल लेंगे। तो आप लोग वेट करो उस एक दिन का, एक्चुअली दो सेकंड का वेट करो, कट करके दूसरा पार्ट लग जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं आपको फोर्ट दिखाने। वही ऊपर कहाँ से जाते हैं, यही तो अब तक मिस्ट्री है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। ऊपर ऊपर मिस्ट्री को सॉल्व कर लेंगे और आपको ऊपर दिखाएंगे। ना तो वॉशरूम मिला अभी तक। ये भाई लैटरिन इसको बहुत प्यारा था ना, शौचालय कैसे होते शौचालय ये। सो गाइस दिस इज लैटरिन। हां मैम इसमें क्या है, शौचालय ऐसे शौचालय होते थे
Oh my god. I think यहाँ से क्या है चले यहाँ से काल को क्या तो सीसीटीवी भी नहीं है भाई अभी वापिस ना आ पाए ऐसा कुछ नहीं था ऊपर पता नहीं क्या था एकदम खट्टे चलो भाई यहाँ से अरे कुछ नहीं होगा कोई नॉर्मल भटते हुए तो ऐसे आए तो अब हम आ गए टेरेस पे काफी तगड़ा व्यू है यहाँ से और देखो अरे बैंड बज गया वीडियो बनाते बनाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर कर देना बाकी अभी आगे मैं दिखाता हूँ मिल गए तो बहुत सारे बहुत सारे लड़बड़ी के आगे आ गए लैवा लैम हमारा ऐसे थोड़ी है बाकी यहाँ पर क्राउड भी बहुत है और मास्क किसी ने लगा रखा हमने भी लगा रखा लैवा लैम सब सबने घूम लिया है मैंने बोल दिया हम जा रहे हैं इसमें खाना बनता था इतने बड़े में कैसे बनाते होंगे भाई बड़ा कैसे बनाते होंगे खाना इसमें तो गाइस अब हम बाय बाय कर रहे हैं स्पोर्ट को और फिर हम जा रहे हैं अभी जो हमारे टैक्सी वाले भैया थे उन्होंने बोला कि उनको हमें कुछ और चीज़ भी दिखानी है गाइस हमारे बाल वाल सब खराब हमारे बाल वाल सब खराब हो चुके हैं बट स्टिल कर रहा हूँ मैं यार मेरे से ऐसे चीज़ें होती नहीं है मतलब मेरे बाल वाल खराब हो जाते हैं ना तो मेरे से चीज़ें होती नहीं है क्योंकि मेरा मन नहीं करता थैंक यू गाइस एंड तुम भी सुनाओ बात नहीं सुन रहा और मैं बहुत ज़्यादा पक रही यहाँ पर और कुछ नहीं यार और ये यहाँ का शाम का मौसम कितने बज रहे होंगे अभी 6-7 बज गए होंगे ना 10 बज रहे हैं इतना भी फेक नहीं 10 बज गए गाइस ये तो मोबाइल का कमाल है जो दिन लग रहा है अभी आपको iPhone 30 Pro Max Ultra iPhone 16 है ये 11 का भाई अभी 16 है हाँ दुबई से मंगवाया है दुबई से मैंने बनवाया है एप्पल वालों से अच्छा जी बातचीत अभी इतनी अलग है ना कि बस क्या नहीं बोलूं अबे कहां जा रही है देखो आप पता है कितना भी घूम लो कहीं भी घूम लो बट चीज़ होती है शाम को अकेले में ऐसी जगह बैठने पर ना मतलब अलग ही फील आती है यार बहुत मतलब बहुत शांति फील होती है आई गेस सो आपने भी कभी ना कभी ऐसा फील करा अगर आपने फील किया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ बिकॉज ऐसी मतलब ऐसी जगह बैठ के ना एक शांति वाली फीलिंग आती है मतलब थोड़ा सुकून मिलता है यार आई डोंट नो व्हाई बट हाँ मेरे को तो मिलता है अगर आप लोगों को मिलता है तो आप कमेंट में मेरे को बताएं कि आपको मिलता नहीं मिलता बट यार मेरे को तो मिलता है ब्रो सीधी सी बात है व्हाट इज अप गाइस सो गाइज ये बच्चे आए थे मेरे पास बोल रहे थे आटा ले लो आटा डालना था मछलियों को बट मैंने इसको बोला कि आप 10 रुपये ऐसे ही ले लो और ना आप 10 रुपये ऐसे ही ले लो और आटा वाटा मत दो तो मतलब ये फिर ना खुद मतलब जो मतलब 10 रुपये का आटा होता है खुद ही डाल लिया उनको अब आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो आप पैसा लेके भी डाल सकती थी आटा अपने पास रख सकती थी किसी और को बेच सकती थी बताओ ना हेलो हाँ नहीं आपने आटा डाल दिया नहीं आपने पैसे दे दिया मैंने आटा डाल दिया देख रहे हो मतलब देखा मतलब बच्चे ने कितनी अच्छी बात बोली कि आपने पैसा दिया तो मैंने आटा डाल दिया और लाइक ऐसे होना चाहिए यार मतलब तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा छोटे बच्चे को देखने के बाद एंड आज थोड़ी अच्छी चीज़ भी हुई थोड़ी ख़राब चीज़ें भी हुई बट चीज़ें होती है ना कि अच्छी चीज़ बुरी चीज़ों को इग्नोर करके अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए तो लाइक जो भी हुआ वट एवर इट वॉज बट द थिंग इज़ के बी गुड बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी सो अभी हम लोग यहाँ अंबेर फोर्ट से तो बाहर आ चुके हैं और अभी हम कैब बुक कर रहे हैं
उसके बाद हम लोगों ने जाना है, मुझे नहीं पता कि हम लोगों ने कहाँ जाना है एक बार फिर से, पर जहाँ भी हम लोग जाएंगे हम आपको दिखाएंगे। सोचे तो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में और हम लोग यहाँ बैठे इसलिए क्योंकि हम लोग कैब थोड़ी जल्दी आ गई थी और काशिफ भाई और की कैब थोड़ी लेट आई है, लेट आएगी और सारे सारे, सारे रूम कार्ड्स उनके पास ही हैं, तो इतने हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के बैठा जाए थोड़ा। और आई मीन लाइक जेन्युइनली अभी थोड़ा सुकून मिला, सुबह से इतनी गर्मी बहुत टाइम था, मतलब दिन अच्छा था, मतलब जयपुर आओ बहुत अच्छी जगह है, पर ठंड में आओ, गर्मी में गर्मी वाली जगह बिल्कुल मत आओ भाई, कभी आओ भी मत, सीधी सी बात तो है, छोटी सी बात। तो मेन इसके लिए इसलिए आगे थे कि व्लॉग भी निकल जाएगा और थोड़ा घूम भी लेंगे इसी बार में और आप लोगों को कुछ देखने को मिल जाएगा। सो चलो अभी तो हम जाएंगे रूम में और रूम में जाने के बाद फिर हम जाएंगे कुछ खाने और फिर थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे और सब थके भाई, बाकी तो भूख भी लगती है, डिनर भी करना है और डिनर भी करना है। सो जस्ट स्टेडिंग इन दिस वीडियो काम, वेट फॉर वन सेकेंड, अगली क्लिप इसके बाद ही लग जाएगी, हमें टाइम लगेगा बट आप लोगों के लिए अगली क्लिप इसके बाद में लग जाएगी। तो हम तैयार हुए यार, मैंने जैसे कि मैं बताया था मैं सब कुछ कपड़े मतलब फ्रेश वगैरह होके और फिर से जाऊँगा नीचे, तो अभी हम जा रहे कुछ खाने पीने नीचे बिकॉज हम लोग बहुत थक गए थे एंड मेरा तो क्या हुआ, मैं सुबह से भूखा था तो अभी एनर्जी तो मैं सुबह से भूखा था तो अभी मेरे में एनर्जी भी नहीं है ज़्यादा बोलने वाले की, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं सब नीचे और नीचे जाके कुछ खाना खाते हैं आपको दिखाएंगे। तो अभी सब लोगों ने अपना अपना खाना ले लिया और ये लोग तो बहुत ही खाते हैं, खाते हैं क्या कह रहे हो ब्लॉग में खाना, ऐसी कैमरा काट दिया आपने तभी आए, काट दिया तभी दिया है, दिखाओ लाल कलर का कार्ड था ना, कोई भी साथ करते हैं हम अपना डे टू खत्म और आज हमारा डे टू खत्म हुआ और आज हमने बहुत सारी चीजें करी, वो सब आपको देखने को मिल गया होगा। और कल आज जो मैंने आपको सामने वाला फोर्ट दिखाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि लाइक इसमें मौत वौत हो गई थी, तो बट उसका जो अपोजिट वाला था उसमें कुछ एशिया की सबसे बड़ी तोप वगैरह, तो हमारी बात हुई थी टैक्सी ड्राइवर से तो उन्होंने बोला था कि आप एक काम करो कल सुबह सब जल्दी उठना जो कि सबके लिए बहुत बड़ी जल्दोजहद है, पर फिर भी हम सब ट्राई करेंगे कि हम उठ पाए। और इसी के साथ करते हैं फिर आज का व्लॉग ख़त्म। सो आज के व्लॉग में आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ और नहीं भी आया हो तो भाई ज़बरदस्ती मज़े कर लो यार, क्या हो गया तुम्हारे के चले जाएगा, मज़े कर लोगे तो ठीक है। तो मिलते हैं कल डे थ्री में और डे थ्री में और भी मज़ा आने वाला है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून फॉर द डे थ्री एंड जिन लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा सो जल्दी जाओ एंड डू फॉलो मी आउट देयर क्योंकि वहाँ हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ हम भी सुन जा रहे हैं, जाओ भाई सो जाओ, बाय।